हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम इम्प्लॉय को, अगर आपकी दुकान है जैसे सपोज कीजिए हमारी दवा की दुकान है, तो उस दुकान पे दो या तीन इम्प्लॉय काम करते हैं, कोई कंप्यूटर देखता है, कोई सेल्स देखता है, ठीक है, और कोई वहां पर दुकान पर काम करता है। तो इस तरह के इम्प्लॉय हैं, तो इनकी सैलरी हमें देनी है, इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप आ जाइए पेमेंट वाउचर में, और पेमेंट वाउचर में आने के बाद F11 की प्रेस कीजिए कीबोर्ड से आपको F11 की प्रेस करनी है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये आ गया पेमेंट वाउचर में, कीबोर्ड से आप F11 की प्रेस कर लीजिए। और यहां से ये देखिए मेंटेन कॉस्ट सेंटर, एक लेजर बनाएंगे और एक ही लेजर में सारे एम्प्लॉयज का सैलरी हम मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने यस कर दिया और कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये हो गया, अभी सिंगल एंट्री मोड में, डबल एंट्री मोड में चलना है, ठीक है। तो F12 की प्रेस कीजिए, यहां से एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर इसको आप नो कर दीजिए और यहां पर आकर के इसको यस कर दीजिए, ठीक है। डेबिट क्रेडिट ऑप्शन को चालू कर रहा हूं मैं, अब यहां पर डेबिट क्रेडिट आने लगा है। अब आपको करना क्या है वो बता देता हूं। यहां से अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, ठीक है। यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है, जो सारी एंट्री कंप्यूटर पर करते हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर ये एंटर प्रेस करेंगे। अब ये जाएगा किस ग्रुप में, ये हमें समझना है, ठीक है। इसको यहां पे लिस्ट ऑफ ग्रुप आपको शो हो रही होगी, तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। किस में डालेंगे? तो यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस चूज कीजिए आप, एंटर प्रेस कीजिए, और यहां पर आने के बाद मेंटेन कॉस्ट सेंटर यहां पे आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन यस है, एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं, ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये कंप्यूटर ऑपरेटर है सोहन, ठीक है, इनको सैलरी कितनी देनी है? इनको सैलरी हम दे रहे हैं 7,500 रुपए, ठीक है, ये सैलरी डेबिट हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर देख सकते हैं नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर आ रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहां दे देंगे कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, एंटर प्रेस किया और यहां पर प्राइमरी रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और कुल मिलाकर के इतनी सैलरी जा रही है। और भी कोई इंप्लॉई है अगर है तो उसको भी ले लेंगे, जैसे मान लीजिए एक इंप्लॉई और बना लेते हैं हम, जैसे मैं बना लेता हूं राजेश सेल्स डिपार्टमेंट के हैं ये राजेश, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा ये, और यहां पर कॉस्ट सेंटर यसी रहेगा, इंटरप्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए आप। और इनको कितनी सैलरी जा रही है? इनको जा रही है 8,000 रुपए सैलरी, तो ये हमने दे दिया। और भी कोई होगा तो और भी दे सकते हैं, और साथ सी प्रेस कीजिए और यहां पर सेल्स मैं दे देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और एक्सेप्ट करा लेता हूं इसको एंटर प्रेस करके, ठीक है। और भी इंप्लॉई है तो और दे सकते हैं। यहां पर क्या आएगा, यहां पर कैश के रूप में पेमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये कैश यहां पे दे दीजिए। कुल मिलाकर के कितनी सैलरी होगी? 15,500 रुपए, ठीक है, और यहां नरेशन में डाल दीजिए सैलरी, ये डाल दिया, एंटर प्रेस किया इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और जो मेंटेन कॉस्ट वाला ऑप्शन है, अगर इसको आप इनेबल रखेंगे, यस रखेंगे, तो आपको ये फायदा होगा, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे मेंटेन, एक तो मेंटेन पेरोल है, पेरोल का तो अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, यहां पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर है, इसको आपको यस रखना है। इसको यस रखेंगे तो एक ही लेजर बनाएंगे, सारा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इस एंट्री को देखना होगा तो दो बार डी प्रेस कर लीजिए, और यहां पे पेमेंट किया है आपने तो ये एंट्री आप देख लीजिए। दोनों देखिए, दो एंट्रीज हुई है यहां पे, देखिए ये कंप्यूटर ऑपरेटर को सैलरी गई है और एक 8,000 रुपए सैलरी महेश को गई है जो कि सेल्समैन है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका प्रिंट निकालना चाहे अल्ट के साथ पी प्रेस कर दीजिए, प्रिंट निकल जाएगा, फिलहाल मैं नहीं निकाल रहा। तो ये दो लेजर से एक ही बार में क्रिएट हो गए, ठीक है, एक अटेम्प्ट में दो लेजर क्रिएट कर पाएंगे और काम आपका बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।